लीडर लोगों की हेल्प करने वाला गेम खेलेंगे, क्योंकि एक बार मसाओ रास्ते से जा रहा था और वो फिसल के गोबर में गिर गया और इस बेचारे की किसी ने मदद नहीं की, इसलिए आज हम सबकी मदद करने वाला गेम खेलेंगे। हम लोग गेम में आ चुके हैं, भैया हमारी गाड़ी के ऊपर की चढ़ गए हैं, अभी तो हम लोग फायर ब्रिगेड बने हैं और जैसे जैसे हम अपग्रेड होंगे हम पुलिस, डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर और गार्ड बन जाएंगे। अरे दोस्तों जल्दी चलो, हमें आग बुझाने जाना है। अरे भैया हम इस गाड़ी से जा रहे हैं, आप अपनी वाली से आइए। अरे मेरी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे कौन सी गाड़ी है आपकी? अरे पागल साइकिल से चलोगे क्या? आपके पास गाड़ी नहीं क्या जैसा हमारे पास है? अरे हाँ मेरे पास गाड़ी है तो ये देखो। अरे भैया जल्दी चलिए, सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ बहुत बड़ी आग लग गई है। अरे टैरो भैया जल्दी चलिए, कुछ आता भी है आपको पता नहीं क्या? धीरे धीरे चला रहा, मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ के। अरे क्या यहाँ तो पहले से एम्बुलेंस और बहुत सारे लोग आ गए हैं, लगता है शादी में बहुत लेट हो गए। अरे क्या कौन सी शादी? तुम्हारी शादी है क्या? यहाँ शादी आदि में एक्सीडेंट हुआ है। अरे पहले आग बुझाने के लिए कुछ लो तो पैदल ही भाग जा रहे हो। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अरे लोग तो अपनी गाड़ी से निकल निकल के फोटो खींच रहे हैं, इन लोग को बचा बचा नहीं रहे। ये देखो दोस्तों ऊपर से ब्रिज टूट के इस कार के ऊपर गिर गया है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, खड़े खड़े आग बुझाओ। अरे वाह टैरो भैया आप तो बहुत अच्छी आग बुझा रहे हैं, मैं भी बुझाता हूँ। ये देखो दोस्तों ये भी एक फायर ब्रिगेड है लेकिन ये तो घूम रहा है। अरे आ जाते, अरे वह हमने पूरी आग बुझा दी। अरे देखो दोस्तों ब्रिज के ऊपर कुछ लोग फंसे हुए हैं, हमें उनको भी नीचे लेकर आना पड़ेगा। जल्दी से फिर उनको लेके आते हैं, इसके ऊपर कूदो। अरे लेकिन हम लोग इस ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे कैसे, तो बहुत ऊंचा है। अरे देखो हमारे पास सीढ़ियां भी तो हैं, हम लोग ये लगा के चढ़ जाते हैं। चलो आपने कुछ तो हेल्प की, चलो चले। अरे ऊपर तो दो लोग फंसे हुए हैं, एक को आप उठा लीजिए, एक को मैं उठा के लाता हूँ। दादी जी डरिए नहीं, मैं आपको बचाने आया हूँ, आओ चलो चले, आप तो बहुत भारी हैं। चलिए दादी जी आप यहाँ पर बैठ जाइए, एक दो दिन में आपको कोई आके ले जाएगा, तब तक यहीं बैठी रहिएगा। मिशन कम्प्लीट हो गया और बस हमें एक और मिशन करना है और फिर हम फायर ब्रिगेड से अपग्रेड होके कुछ और बन जाएंगे। दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक केस है। हाँ जल्दी चलो, जल्दी चलो। एक मिनट रुको, पहले यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल भरा लेते हैं। अरे दिमाग खराब है क्या टकले, वहाँ सब लोग मरे जा रहे हैं, तुम्हें पेट्रोल पीना है। देख लिया, रुक गई तुम्हारी गाड़ी और न भरा पेट्रोल। नब्बे नहीं कहते कि पेट्रोल न भरो। अरे दोस्तों हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए, पहले देखो वहाँ पर हुआ क्या है। अरे इस पूरी शॉप में तो आग लग गई है। अरे पर यहाँ पे आग लगी कैसे? अरे वो थोड़े इसके अंदर लोग भी है बिल्डिंग के अंदर। हाँ पहले आग बुझाते फिर बिल्डिंग के अंदर भी चलेंगे। अरे लोग तो यहाँ पे फिर से फोटो खींच रहे हैं। चुपचाप साल लोग अपने घर चले गए, मैंने सबके मोबाइल छिना लूंगा। अरे मेरा फोटो खींचो, मैंने बहुत आग बुझाई है, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे टैरो भैया चलिए, सबसे पहले इस गेट की आग बुझाते हैं, फिर हम लोग अंदर चलेंगे इस गेट से और अंदर वाले लोगों को उठा के बाहर लाएंगे। अरे दोस्तों जल्दी करो, इस वाले मिशन के बाद हमारी सैलरी बढ़ेगी और प्रमोशन भी आ जाएगा। अरे देखो इस डोर की आग बुझ गई, तुम लोग गेट तोड़ो। ये देखो दोस्तों मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, हम इससे गेट तोड़ के अंदर जाएंगे क्योंकि ये गेट अंदर से बंद है। अरे इसमें तो कोई मरा पड़ा है। अरे तो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे खुल गया अंदर चलो। अरे यहाँ तो दो लोग पड़े हुए हैं मरे। चलो अब डॉक्टर जी आ गए हैं, वो अपना काम करेंगे। चलो अब ये वाला गेट भी तोड़ते हैं। अरे खुल गया जल्दी चलो। अरे ये क्या, ये तो पूरा खाली पड़ा है स्टोर, इसके अंदर तो कोई है भी नहीं। अरे यहाँ तो एक बहुत ही मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है। अरे तो बहुत डरा हुआ है, देखो बेटा मैं तुम्हारी मम्मी, मैं आ गई, आ जाओ। अरे मैं ले जा रहा हूँ मसाओ, तुम चुप रहो। अरे दोस्तों जल्दी इस वॉशरूम में, देखो मुझे लग रहा है अंदर से कोई चिल्ला रहा है। पहले आग बुझाते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, सब लोग हटो, मुझे जाने दो। अरे इसमें तो कोई नहीं बच गया है, बस अब इस बिल्डिंग की यही वाली आग बची है, इसको बुझा देंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। मिशन कंप्लीट हो गया। अरे वाह दोस्तों हम लोग अपग्रेड होके पुलिस बन गए हैं। पहले हमसे कोई नहीं डर रहा था लेकिन अब हमसे सब लोग डरेंगे। देखो मेरे पास डंडा भी है, अगर किसी ने बदतमीजी तो डंडा फेंक के मारूंगा। मेरे पास एक गन। अरे देखो दोस्तों एक केस आया, इसको एक्सेप्ट करते हैं और चलते हैं। चलो गाड़ी में बैठते हैं, तुम लोग मेरे पीछे आओ क्योंकि दो ट्रेन आपस में भिड़ गई है। और आप इतना आराम से बोल रहे हैं, जल्दी चलो, कितने लोग मर गए होंगे, जल्दी चलो। हम लोग तो पुलिस है तो हम लोग को चोर को पकड़ना होगा, केस सुलझाना होगा, जल्दी चलो। हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए, जल्दी चलो। अरे पर टैरो भैया तो अभी तक नहीं है। अरे ये लोग यहाँ पर एक्सीडेंट का फोटो खींच रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग पुलिस से डंडा मार के इनका पिछवाड़ा लाल कर दो। अच्छा वो बच्चा भाग गया, तुमको इनविटेशन देना पड़ेगा। क्या निकला भाई? टैरो भैया एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? अरे आगे है रास्ता, नीचे चलो, नीचे ही है वो ट्रेन। आगे तो ट्रेन है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन पूरी पलट गई है। दोस्तों सामने से कोई और ट्रेन आके इसमें ठुकना चाहे तो चलो यहाँ पे बैरियर लगा देते हैं। आंटी दिमाग नहीं है, पटरियों पे क्यों बैठी हैं? इनको उठाते हैं और वहाँ रखते हैं। देख लो दोस्तों ट्रेन में अभी तक कोई नहीं बैठा है। नहीं नहीं ट्रेन में कोई नहीं बैठा है। अरे वो सब छोड़ो, अब हम लोग अपना मेन काम करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, और हम लोग सबूत ढूंढेंगे और पता लगाएंगे एक्सीडेंट हुआ कैसे। मुझे लग रहा है किसी ने पटरी काट डाली होगी। एक मिनट, ये क्या पड़ा है यहाँ पे? भैया देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट का सबूत है। दोस्तों गंदगी है, कोई सबूत नहीं है। अरे एक मिनट, ये क्या, यहाँ सीढ़ी किसने लगाई है? अरे दोस्तों मैं समझ गया, यहाँ पर देखो क्या लगा है। ट्रेन यहाँ से आई होगी और इसके ऊपर से उछल के चली गई होगी और गिर गई। अरे वाह हम लोगों ने तो बहुत जल्दी मिशन सॉल्व कर लिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्दी फिर से अपग्रेड हो जाएंगे। एक रिश्ते मैंने नई बाइक ली है और ये बाइक पहले वाली कार से 100 गुना तेज चलती है। टैरो भैया बहुत गरीब इसलिए वो बाइक से नहीं घूमेंगे। चलो फिर चलते हैं। अरे क्या टैरो भैया की कार तो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई। दोस्तों अगले मिशन में आगे बैंक रॉबरी हुई है क्या? तब तो फिर सबसे ज्यादा काम पुलिस का, जल्दी चलो। मसा रोड नहीं दिख रही है क्या? घास पे
निकाल रहे हो? दोस्तों यही है वो बैंक, अपनी गनवा निकाल लो। और आपके पास तो गन नहीं है तो आप अपना डंडा निकाल लो। अरे टेर भैया मेरे मुँह क्यों देख रहे हो, अंदर जाओ और मुकाबला करो। अरे मुझे डर लगता है, तुम भी मेरे साथ चलो। चलो आप बहुत छोटे बच्चे हैं ना, हम आपके साथ चलेंगे, आ जाओ बेबी। सबसे पहले इसको ब्लॉक कर देते हैं बैंक को, वरना पता चला कोई नॉर्मल आदमी बैंक में घुसा आ रहा है और चोर लोग उसको मार डाले। अरे यहाँ तो दो गुंडे हैं, जल्दी से अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें तो बहुत छेद कर देंगे। मैं अरेस्ट कर लूंगा हैंड चेप। हथकड़ी बना। अरे किसी को ऑटोग्राफ चाहिए मेरा? मैंने ही सारे चोरों को पकड़ा है। अरे आपने तो हाथ भी नहीं लगाया था, चल झूठा। बस दोस्तों एक मिशन और करना है फिर हम फिर से अपग्रेड होंगे। पता नहीं हम लोग कौन सी चीज अपग्रेड होंगे, मुझे तो मजा ही आ रहा है। चलो फिर जल्दी से करते हैं अगला मिशन। अरे कौन हमारे पीछे पड़ा? हट। दोस्तों अब मैं न्यूज रिपोर्टर की जॉब कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया हूँ। अरे सर बताइए आपने चोरों को कैसे पकड़ा, चोरों को कैसे पकड़ा आपने? अरे हमें थोड़ा और मिशन करने जाना है, लेकिन रुको मैं थोड़ा इंटरव्यू दे दूँ। टीवी पे आएगा ना ये? हाँ सर टीवी पे तो आएगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा तो बताओ क्या पूछना है। सर आप अपनी ताकत और दिमागदार कैसे हैं? अरे इतनी तारीफ मत करो, और वैसे मैं मसाक के साथ रह के इंटेलिजेंट हो गया हूँ। अरे मम्मी जाने दो, अरे भैया पहले जॉब छोड़ो, पुलिस की जॉब ज्वाइन करो। अरे नहीं सर थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इनको यहीं पे बंद कर देते हैं, इनको ज्यादा रिपोर्टिंग चढ़ रही है। बस दोस्तों ये लास्ट मिशन है, इसका फिर से अपग्रेड होंगे। दोस्तों तुम लोग मिशन में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में थोड़ा चिप्स दिख गया, सोचा खा लूं। अरे वो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। अरे तो एक्सीडेंट हुआ है तो, अरे वाह क्या, चलो जल्दी चलते हैं, चोर को पकड़ते हैं। हाँ तुम लोग मेरे पीछे हो। ये देखो दोस्तों ये कार यहाँ से नीचे गिरने वाली है। अरे आगे में एक्सीडेंट हुआ है क्या? अरे एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सब कार रोक के फोटो खींच रहे हैं। ये लोग सिर्फ डंडा से ही उतरेंगे, सबके पिछवाड़े लाल कर दो मार मार के। बड़ी 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 भाग, ऐसे भागो। चलो यहाँ पर बैरियर लगा देते हैं ताकि यहाँ पे और कोई ना आ पाए। जल्दी लगा देते हैं, चलो इस केस को सॉल्व करते हैं। अरे भाई साहब ये क्या है? अरे ये बेड मैंने लगाया है स्पेशली नोबिता के लिए। अरे वाह थैंक यू, मैं सोने जा रहा हूँ। सोना है, पहले केस सॉल्व करते हैं। अरे दोस्तों मैं बहुत देर से ध्यान दे रहा हूँ और मुझे समझ में आ गया ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, ये एक्सीडेंट करवाया है। अरे मैं अभी एक पुलिस हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। चुप रहो, बड़ा आया शरीफ। दोस्तों तुम लोग मिशन में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में थोड़ा चिप्स दिख गया, सोचा खा लूं। आपने हमसे कहा कि आप चिप्स खाने जा रहे हैं, लेकिन आप तो एक्सीडेंट कराने आए थे यहाँ पे, आपकी चारी पकड़ी गई है। अरे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे भाग ना रहे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिशन कम्प्लीट। अरे वाह दोस्तों हम लोग अपग्रेड हो गए, वो भी एक डॉक्टर में। चलो डॉक्टर बनके मजे करते हैं। और हमें और टेरे भैया को एम्बुलेंस भी मिली है। अरे देखो दोस्तों मिशन आ गया, आगे एक प्लेन नीचे क्रैश हो गया जमीन पे और लोग तो प्लेन से बाहर ही गिर गए। अरे तब तो हमें उन्हें सही करना होगा, जल्दी चलो हम तो डॉक्टर है ना। अरे यही है वो जगह। अरे यहाँ तो पहले से ही बाकी एम्बुलेंस और पुलिस लोग आ गए हैं। और यहाँ पे कैमरामैन भी आ गए हैं। देखो दोस्तों यहीं से प्लेन क्रैश होते हुए गया, पूरा गड्ढा हो गया है। इसने तो बहुत सारी कारों को भी तोड़ फोड़ डाला है। और वो देखो प्लेन कितना दूर जाके गिरा है। अरे आग बुझाने लोग तो अभी तक आए ही नहीं, हम तो डॉक्टर है तो आग कौन बुझाएगा। अरे पर यहाँ पे चोट किसके लगी है? डॉक्टर कहते हैं यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। अरे पागल तुम्हें दिखने लगा, लाशें पड़ी हुई है। अरे हाँ हाँ सॉरी मैंने देखा नहीं था। अरे तो एरोप्लेन के विंग पे पड़ी हुई है। अरे सबको छोड़ो पहले इनका इलाज करता है, क्योंकि अगर ये मर मरा गई तो हम अपग्रेड भी नहीं हो पाएंगे। अपनी मशीन रखते हैं और इनको बिजली का झटका देकर देखते हैं कि ये जिंदा है कि नहीं। अरे बाप रे ये तो उठ के बैठ गए। चलिए अब आप हमारी एम्बुलेंस में चलिए, हम वहाँ पे आपका इलाज करेंगे आगे का। चलिए आप स्ट्रेचर इसको यहाँ पर रख देते हैं। रुको मैं तुम्हें सही करता हूँ। अरे टारो भैया ने तो इनका एक सेकंड में सही कर दिया। अरे आंटी जी क्या कर रही है? अरे मेरा फोटो मत खींचो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रुको मैं लोग को भगाता हूँ। अरे वो अब तो हमारा फोटो नहीं खींच पाएंगे। और ये क्या, ये तो चले भी गए। चलो जल्दी से देख लेते हैं प्लेन में और कोई तो नहीं रह गया। ये प्लेन तो बीच से आधा हो गया है। अरे लेकिन अंदर तो कोई पड़ा हुआ है। अरे दोस्तों ये तो मर गया, मुझे रोना आ रहा है। अरे दोस्तों इनका इलाज चलो हम कर देते हैं। पत्ते पेट में बांध देते हैं, और कहाँ बांधे, एक हाथ में बांध देते हैं, एक पैर में ही बांध देते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया, कितनी पट्टी लगाओगे? अरे भाग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी हड्डियाँ टूटी है। अरे इन गाड़ियों में तो कोई नहीं है, हम जा रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया, मिशन कम्प्लीट हो गया, मजा ही आ गया। अरे दोस्तों जल्दी से आगे चलो, इस मिशन में एक बच्चा बहुत ही ऊंची जगह पे चढ़ गया। जल्दी चलो वरना वहाँ से गिर जाएगा और उसकी हड्डियाँ टूट जाएगी। और अगर वो मर गया तो हम लोग को प्रमोशन नहीं होने वाला। अरे दोस्तों हम लोग पहुँच गए, देखते कहाँ पे। अरे कहाँ है बच्चा, कहाँ से बच्चे को उतार के लाना है? और हाँ वो बच्चा किसी बिल्डिंग पे नहीं चढ़ा है, वो इस पे चढ़ा है, ये तो बहुत ऊंचा है। जल्दी ऊपर चढ़ते हैं, वो बच्चा बहुत छोटा है, वो डर जाएगा। वैसे वो बच्चा कितने साल का है? अरे ज्यादा नहीं, वो बहुत छोटा है, वो सिर्फ 19 साल का है। अरे मसाओ 19 साल का बच्चा छोटा कहाँ होता है, पागल कहीं की अक्ल नहीं है क्या? वो देखो बच्चा वहाँ पर है। अरे पर वो तो बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है, अभी हम कैसे जाएं? मेरा पैर फिसल गया। अरे हम तो गिर रहे हैं। अरे बच्चे को बचाने के चक्कर में हम मर गए। दोस्तों हम लोग फिर से आ गए हैं। तेरे भैया उस तक कैसे पहुँचना है जल्दी बताइए। दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता, वो गलती से मुझसे नीचे गिर गया। क्या कहा, हमने इस बच्चे को इस बेड पे लेटा दिया है। कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हें सही कर देंगे, तुम मत डरो। अरे दोस्तों ये लास्ट मिशन है, इसके बाद हम लोग फिर से अपग्रेड होंगे और इसके बाद हम लोग कुछ ज्यादा अच्छा अपग्रेड होंगे। चलो फिर इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। अरे ये क्या, इस मिशन में तो इस घर में आग लगी हुई है। अरे तो मसाओ घर लग रहा है। अरे अरे मेरा थोड़ी ना है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा इतना बड़ा घर थोड़ी ना। चलो ठीक है अंदर चलते हैं। और दोस्तों इस घर में जो लोग रहते हैं उन्होंने गलती से घर के अंदर ही पटाखे फोड़ लिए, इसलिए उनके घर में आग लग गई। इतना बेवकूफी वाला काम किया। अरे जल्दी आग बुझाओ यार, हमें अंदर जाना है, हम डॉक्टर हैं। ओके चलो अंदर चलते हैं।
लेते हैं। अरे देखो सामने कोई है। अरे बेटा तुम ही ने पटाखे फोड़े थे क्या? चलो हम तुम्हें बाहर ले चले। ये तो मास्टर लग रहे हैं, लेकिन हमें डॉक्टर अगर दर्द हो रहा है तो बता दो हम डॉक्टर हैं। हाँ भैया सब कुछ सही हो जाएगा तो तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। घर के अंदर पटाखे क्यों जलाए? लेटो उधर बदतमीज लड़का, यहीं लेटो रहा शांति से। अरे दोस्तों अभी अंदर और भी लोग हैं, पर यहाँ तो आग लगी है कैसे जाएं? अरे मैं आग से लड़कर जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने लोगों की जान बचानी है। अरे टारो भैया तो आग के अंदर घुस गए। देखो दोस्तों मैं आग से खेल कर आ गया। देखो दोस्तों मैं एक आदमी को ले आया। अरे चलो निकलो। अब मैं भी टारो भैया की तरह आग के बीच में घुस के लोगों को बचाऊंगा। अब तो मर गए। अरे दोस्तों हम लोग अपग्रेड हो गए, जल्दी देखो हम लोग क्या बने। हम लोग कितने अच्छे कपड़े पहने, पता नहीं क्या बन गए। मुझे तो लग रहा है तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए हो। अरे पर हमें ये ट्रक क्यों मिला है? अरे टकले हम लोग कोई प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं बने, हम लोग एक टो करने वाले बने। हम लोग रोड पे खड़ी हुई गाड़ियों को उठा के ले जाएंगे जो कि रॉन्ग पार्किंग या फिर कहीं गलत जगह खड़ी होंगी। अरे मैं डॉक्टर से नौकरी वाले काम क्यों दे रही है? और मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। तारो भैया आप बताइए कहाँ गाड़ी खड़ी है, हम लोग ट्रक चलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमेशा कोई गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ। अरे हाँ टारो भैया सामने तो एक गाड़ी है, चला इस गाड़ी का रॉन्ग पार्किंग के जुर्म में टो कर लेते हैं। और हम लोग उसको अपने ट्रक में कैसे रखे? हम लोग तो कतर भी नहीं है। चिंता मत करो बच्चों, मुझे एक जादू आता है, इससे एक कार उस ट्रक में चली जाएगी। आई ब्रेक कर डब डब बुबू। अरे वाह गाड़ी तो ट्रक में चली गई। चलो इस गाड़ी को पुलिस को दे देते हैं। चलो फिर चलते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन कहाँ है? अरे मुझे पता है, चलते रहो सीधे सीधे। इस काम में तो बहुत मजा आ रहा है। आ रहा दास्ता हम लोग कहाँ जंगल में आ गए? तुम्हारी गाड़ी पूरी उछल कैसे गई? अच्छा ये वाली कार गिर नहीं गई वरना टूट जाती। यही हमारा डर, हम लोग गाड़ी देनी है। जो भी गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी रहती है उनको यहाँ ले आते हैं। देखो हमारी कलेक्शन में कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, अब एक और हो जाएगी। अब आप लोग प्लीज प्लीज इस मसाओ के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।